देखेंगे तो फिर तो गार्डन में मजा ही नहीं आता लोगों को। अगर आपको नहीं देखते तो गार्डन में लोगों को मजा ही नहीं आता जी। लेकिन ऐसा कुछ है कि जिसको आप ना देखें तो आपको मजा ना आता? नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब आते हैं। सब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर वाले भी आते हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है सब आते हैं। आपके और कितने फैमिली मेंबर्स हैं? सिर्फ बस चार आदमी हैं हम। चार कौन कौन? दो भाई बहन, बस दो भाई बहन और दो भाई बहन और आप। क्या वो भी ऐसे ही हैं आपकी तरह? नहीं, वो सही है। कभी कभी ऐसे अल्लाह मियां से बात करती हैं? हाँ बिल्कुल। क्या दुआएं करती हैं? दुआएं करते कि अल्लाह ताला सबकी मुराद पूरी करें, हमारी भी पूरी करें। अरे हाँ, ये भी मैंने एक नई बात सुनी है भाई। यहाँ पे मैंने सुना है कि मुमताज बेगम के पास कोई मन्नत लेके जाए, उसके पास कोई दुआ लेके जाए और मुमताज बेगम आपके लिए दुआ मांगती है, फिर लोग शादी के लिए भी आते हैं, लोग अपनी मोहब्बत को पाने के लिए भी आते हैं, लोग औलाद की भी दुआ लेकर आते हैं और उनकी दुआएं पूरी भी होती हैं। देखो, अल्लाह ताला पूरी करने वाले हैं। हमारे काम है सब समझाना और नेक रास्ते पे लाना, बाकी अल्लाह ताला पूरा करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप समझाती हैं लोगों को? समझाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मुमताज बेगम जो है इतनी खूबसूरत कैसे है? मेकअप से। मेकअप से? यहाँ पे और लोग आते हैं मेकअप करके? नहीं, और लोग मेकअप करके आते हैं पर मेरे मेकअप और उनके मेकअप डिफरेंट होता है। आपका डिफरेंट मेकअप है? आपका मेकअप कौन करता है? मेकअप आंटी रखी है, आंटी रखी है वो करती है। आंटी रखी, वो आंटी यहाँ पर आके आपको मेकअप करती है? डेली? दिन में कितनी दफा टचअप कराती है? एक ही दफा बस, सुबह होती है बस। देख लो, मैं मेकअप करके नहीं आई आज मिलने। मैं समझी मुमताज बेगम की कोई बूढ़ी खातून होंगी, कोई दुपट्टा ऐसे सफेद ओढ़ा हुआ होगा, बाल खुले हुए होंगे, झुरियां पड़ी हुई होंगी। यहाँ पे तो एक ऐसी माशाल्लाह जवान बेगम मुझे मिली है जो तैयार है। मैं शर्मिंदा हो रही हूँ कि यार मैं कम से कम बाल ब्लो ड्राई करके तो आती। नहीं नहीं, बस मेरा मेकअप होता है और आंटी एक ही दफा करती है और एक ही दफा मेकअप होता है। जी, मुमताज बेगम इंसानों वाला खाना खाती है या फिर जानवरों वाला? नहीं, इंसानों वाला खाते हैं पर मिर्च मसाले के अलावा चीज खाते हैं। मिर्च मसाले के बगैर जो खाते हैं? बगैर जो चीज खाते हैं। अच्छा, कभी कभी ये जो आपका जिस्म है, आप पे बोझ लगता है? आपको तंग करता है? नहीं नहीं, बोझ नहीं लगता, आदत हो गई है। 45 ईयर्स हो गए ना, आदत हो गई। अच्छा मुमताज बेगम साहिबा, मैं हमेशा शो में कहती हूँ कि जो भी बात होगी दिल से होगी, दिल से होगी। और मैं हर किसी से ये कहलवाती हूँ कि जो भी कहूँगा या कहूँगी दिल से कहूँगी, दिल के बगैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है हाँ वो असर रखती असर है। आज मैं मुमताज बेगम के दिल की बात जानने आई हूँ। अच्छा, आज मैं इस मुमताज बेगम से नहीं मिलने आई जो इस पिंजरे में इतने सालों से बंद है। अच्छा, इस मुमताज बेगम के अंदर जो दिल है वो दिल क्या कहता है, मैं आज उससे मिलने आई हूँ। मैं आज बच्ची बन के नहीं आई कि हाँ 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 खुश होंगी, मुमताज बेगम को देख के चली जाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है कि मुमताज बेगम ने 45 साल किसी से अपने दिल की बात नहीं की होगी। नहीं, सच बताओ, की है कभी किसी से? नहीं, कभी किसी से कोई नहीं करी है, पर ये है कि अल्लाह ताला हर ख्वाहिश पूरी करता है, हर चीज पूरी, हर तमन्ना पूरी होती है, बस इसलिए। कभी ऐसा हुआ है कि अपने बहन भाइयों से मिलने जाओ और यहाँ पे लोग परेशान हो गए हों, मुमताज बेगम कहाँ गई, मुमताज बेगम? हाँ, तो परेशान होते हैं जब बंद होते हैं, फिर परेशान होते हैं। कितने दिन के लिए जाती हो घर? एक महीने के लिए। पूरा एक महीना? जी जी। फिर ये महल जो है फिर वो ये बंद होता है? ये महल खाली होता है? हाँ, महल खाली होता है। जब मालका नहीं होगी तो महल में लोग कहाँ से आएंगे? जब मलका नहीं होगी, जब मालका नहीं होगी तो वाकई कोई महल को तो बंद ही करना पड़ेगा। जी जी, ना जी। सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारोगी? बस जब तक जिंदगी है, देखो अल्लाह ताला की मर्जी। इस महल में ज्यादा मजा आता है अपने गाँव में? नहीं, यहाँ पे भी मजा आता है, वहाँ पे भी मजा आता है, वहाँ ज्यादा मजा आता है। वहाँ ज्यादा आता है ना? जी, वहाँ पे कोई तंग करने वाला नहीं होता? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। मुमताज, सच्ची बताओ, ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा क्यों लगाया है? पब्लिक की वजह से लगाया है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बदतमीजी वगैरह करते हैं, उनको बोलते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, सामने आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सामने डायरेक्टर दूर के ऑफिस के अंदर स्क्रीन लगी है, इसलिए क्यों तंग करते हैं? बस कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बदतमीजी वगैरह करते हैं। क्या कहते हैं? कुछ गलत बातें वगैरह करते हैं, कोई बदतमीजी करता है, बहुत
मुमताज से पूछती हूँ, मुमताज से तो बता सकती हो ना कि लोग, ताकि आज यहाँ से एक अच्छा मैसेज भी जाए कि मुमताज बेगम पिछले 45 ईयर से यहाँ पर आपके बच्चों को खुश करने के लिए है, आप लोगों को खुश करने के लिए, और आप ही के सामने मुमताज बेगम को कोई तंग करे, परेशान करे, लोग अपने बच्चों को मना नहीं करते, मजीद हंसते होंगे, मना नहीं करते जी, मना नहीं करते, क्या क्या करते, क्या जुमले बोलते हैं? बस बोलते हैं बहुत सारे जुमले ऐसे हैं जो, एक दो जुमले बताओ। सलाम करते उल्टा जवाब देते हैं, सलाम करते उल्टा जवाब देते हैं, बस सलाम करती हो तो उसका जवाब देते हैं, उसका उल्टा जवाब देते हैं, उल्टा किस तरह? बस उल्टा कोई भी सवाल का जवाब दे देते हैं, कोई भी उल्टा गाली होगी, कोई भी बात, ये जो बच्चे और ये जो लोग करते हैं ना, जो वालदैन के सामने तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं, ये जानवर है। हाँ, सही बात, जानवरों को भी तमीज होती है। हाँ, और तुम मुझे कह रही हो कि उनको खुश करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, इनको मैं खुश रखती हूँ। जी जी, फिर भी अल्लाह मालिक, नहीं होता उसे रोना नहीं आता, दुख तो होता है पर कभी कभार नहीं भी होता, बस सही है, मैं कहती हूँ अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह पे भरोसा है। मुमताज बेगम कब रोती है? कभी भी नहीं रोई, रोई नहीं है। मुमताज बेगम बहुत चलाक है, मुमताज बेगम झूठी है, पता है, बोलती है। मुमताज बेगम रोती नहीं है ना, रुलाती है। रुलाती है? किसको रुलाया है? माँ को रुलाया है कभी? नहीं नहीं, बहुत सारे पब्लिक आ जाती है, रो के चली जाती है। क्यों? बस चली जाती है, होता है, इंसान है, इंसान के दिल में बहुत सारी बातें होती है कि इंसान को इस रूप में देख के बहुत सारे लोग रो के चले जाते हैं। हाँ, इस तरह ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग मुमताज बेगम को इस पिंजरे में देख के, जिसका नाम है मुमताज महल, जी जी, उसमें इस मलका को देख के रो के भी जाते हैं और कुछ इस मलका को रुला के भी जाते हैं। सही है, हर तरह के लोग। सही बात है। दुख होता है अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, मतलब बाहर मुझे सब कह रहे हैं मुमताज में हमारी माँ है। हाँ हाँ, अम्मा है, अम्मा, प्यार से सब अम्मा ही कहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि माँ का दर्जा देते हैं, आपके अम्मा के साथ, आपके अम्मा के मुंह पे कोई थूक के जाए, करे तो रख के ही देना, रख के क्या देना, मतलब मैं क्या बोलूं, उनके साथ वही होना चाहिए जो इसके साथ करते हैं। जी बिल्कुल, है ना, फिर उनको पता चलेगा कि कितनी तजलील हो, फिर सिक्योरिटी वाले होते उसके हवाले करते हैं, फिर वो खुद ही संभालते हैं। भाई मैं क्या करूं, दुआएं, दुआएं, दुआ आपके लिए मैं और आप मेरे लिए, मैं जरूर दुआ करूँ इंशाल्लाह। मैं अपनी टीम को बुलाऊं, अगर वो मुमताज बेगम से बातें करना चाहे तो मुमताज बेगम को जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुमताज बेगम अपने ख्वाब हमें बताएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या ख्वाब देखती है, उसके जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द हो जाता होगा, वो कब इस पिंजरे से निकलना चाहती है। बस देखो जब नसीब में होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला वैसे ही निकाल लेंगे। ले जाऊं मैं तुम्हें साथ? मैं नहीं जा सकती ना। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मेरे रिहाइश इधर ही, सब कुछ इधर ही, अल्हम्दुलिल्लाह। आजादी से रहना, तुम पिंजरे में नहीं रहना, इसी रूप में रहो, अपनी जिंदगी जियो। असल में बाहर के माहौल से अंदर के हिसाब सही है, पर बाहर के हिसाब से अंदर देखा जाए तो अंदर के सही है, क्योंकि यहाँ मेरे पास सपोर्ट है, लड़के प्यार है, काम करते हैं, प्यार, मैंने देखा है यहाँ पे, एहतराम है तुम्हारे लिए लोगों के दिल में। जी बिल्कुल, मुमताज बेगम के अंदर जो सीने में दिल है जी, वो मुमताज बेगम का है या फिर ये इस जानवर के अंदर? मुमताज बेगम का है, इसका ये सिर्फ हिस्सा है बॉडी का, है ना, ये बॉडी का हिस्सा है। साथ मैंने इतनी बातें की हैं, मेरा बच्चा अब क्या बात करोगे, दिल में क्या क्या सवाल आए सारे पूछ लो, अभी मौका है, बाकी टीम नहीं है। फैजान ये कर ले, फैजान हम करेंगे भाई, हम मिलने आए, हमारी मुमताज बेगम है जी जी।
मैं आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे मुमताज बेगम को सलाम करके जाऊंगी, जो लोगों को हंसाती है, जी जी, लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पर। साफ सच बताओ, क्या सवाल जहन आया, देना जरा। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है इस वक्त, के लोग अपनी ख्वाहिशात लेके इधर आते हैं, उनसे दुआएं मंगवाते हैं, तो कभी कोई ऐसी ख्वाहिश है इनकी कि इनके दिल में भी तो होता होगा ना कि कोई ख्वाहिश कि अब जैसे मेरे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी में घूमना, कुछ अच्छा खाना या कुछ इसकी सभी चीज़। 10,000 ख्वाहिशात होती तो इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं जो लोग उसके लिए दुआ मांगने के लिए इनके पास आते हैं कि लोग दुआ मांगें, तो कभी कोई ऐसी ख्वाहिश है आपकी? अच्छा, ये ब्रेक के बाद साद ने जो सवाल किया है मुमताज़ बेगम से।